السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا خداوند عالی کا احسان ہے کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ یہ 21ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کریں اور 48ویں سورہ کی تفسیر کے سلسلے میں آج 21ویں آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی جس میں یہ ارشاد ہوا کہ اللہ نے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم کو کثیر مال غنیمت ملے گا اللہ یقیناً اس وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر احاطہ کرتا ہے اور اس چیز پر بھی جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ہی تئے اختیار میں نہیں ہے
जिसके लिए तुम ये समझते हो कि तुमको कुदरत नहीं है, मगर हमारे अख्तियार में तो है कि जो हम वादा करें उसको हम पूरा करें। इसी मंजिल पर सारे उलमाए मुफस्सरीन ने ये लिखा कि ये वो आए वाकी हिदाया है जिसने उस सिलसिले सुलह हुदैबिया को फतह खैबर से मिला दिया, जहां मगाने में कसीरा का तस्करा है। और ये भी कि तुम ये समझते थे कि तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, मगर अल्लाह उस पर मुहीत था। कद अहात अल्लाह बिहा, अल्लाह ने इहाता उस पर किया, अल्लाह की उस पे कुदरत थी, अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया, अल्लाह ने तुमको फतह करीब से सरफराज किया, अल्लाह ने तुमको दौलतें अता की जैसे कि उसने वादा किया था। ये सारी आयतों का सिलसिला जब कभी आप तन्हाई में तर्जमे से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ज़ाते वाजिब ने सुलह हुदैबिया से लेकर आखिर तक जितने फतह करीब के मुतालिक इरशादात हैं, मगानिम में कसीरा के मुतालिक फरामीन है, उन सब को अपनी जाते गिरामी से मंसूब करके ये बतलाया कि हमने तुम पर इन नेमतों को नाजिल किया। पानी वही बरसाता है, गल्ला वही उगाता है, हवाएं वही चलाता है, इंसान को वही पैदा करता है, मगर अजीब बात यह है कि वो ये तो कहता है कि हुवल्लज़ी खलक़कुम, उसने तुमको खल्क किया, मगर जो दरमियान में इल्लतें हैं कभी कभी उसके तस्किरे को छोड़ दिया जाता है कि जैसे आवर था पानी बरसा, माँ बाप थे औलाद हुई, जमीन जरखेज थी रुई दगी हुई, मौसम अच्छा था सेहत अच्छी रही, मगानी में कसीरा इसलिए हाथ आए कि हमने वो रिजा पैदा किए थे जिसमें से एक रजुल ने सब पर काबू पाकर तुमको इस काबिल कर दिया कि तुम सारी गनीमतें लेकर वापस आओ। फैज हमारा है, मगर किसके जरिए से है इसको भी देखो। दोहरा रहा हूं कि मैं कल सुबह की तकरीर से, कल शाम की तकरीर से अपने आप को मुसलसल कर रहा हूं। अगर इन्हीं आयतों की तअस्सी में मुअर्रिकीन, मुफस्सरीन और मज़ामीन के लिखने वाले भी फकत फजल इलाही का तस्करा करके फुतूहात को गिनवाने लगें और अफराद का तस्करा छोड़ दें और ये तय कर लें कि क्या जरूरत है अफराद की, ये तो अल्लाह का फजल है, ये तो अल्लाह का फजल है, तो फिर ये सिलसिला फिक्र इंसान को उस मादियत तक पहुंचा देगा कि जहां इंसान अपने आप को हर आन बेसहारा समझने पर मजबूर हो जाएगा और ये समझेगा कि हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। अब यही कि फजल इलाही हो, जाहिर है कि फजल इलाही तो होगा, मगर कोई वास्ता चाहिए, कोई जरिया चाहिए, कोई सहारा चाहिए, कोई दरमियान में चाहिए जो उस फैज को कबूल करके आप तक पहुंचाए। और अगर
इंसान इनकार कर दे उस वसीले का, उस वास्ते का, उस जरिए का, तो उसके माना ये होते हैं कि इंसान मदारिज कमालो मरातिब शराफत इंसान का इनकार कर रहा है और वो ये अंदाजा नहीं करता कि इंसान में कितनी ऐसी अजमतें हैं और वो क्यों काबिल जिक्र हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि ये कुरान ही की तासीर है कि हम नाम नहीं लेते, तो जहां कुरान ने नाम लेके पहचानवाया है वहां क्या किया जाएगा, क्या उन नामों के मुतालिक कोई गुफ्तगू भी होगी या नहीं होगी। जहां मुस्तफा बंदों का तस्करा है, जहां मुखलस बंदों का तस्करा है, जहां बार बार ये तस्करा है कि वज़्कुर अब्दना अय्यूब, हमारे अब्द अय्यूब का जिक्र किया करो, नेमल अव्वाब, क्या अच्छा रुजू करने वाला बंदा था। तो जिस मकाम पर बंदगान खुदा का तस्करा है वहां तो ये मानना पड़ेगा कि खुदा बंदे अली आला उन बंदों का तस्करा करता है जो मुखलस हैं, उन बंदों का तस्करा फरमाता है जो हिदायत की मंजिल पर हैं, और फिर उन बंदों को इस अम्र का इख्तियार देता है कि अगर हमने तुमको चुन लिया, तुमको पसंद कर लिया, तुमको मुंतखब कर लिया, अगर हमने तुमको मुस्तफा किया, अगर हमने तुमको मुर्तजा किया, अगर हमने तुमको अपनी मशीयत का नुमाइंदा बनाया, अगर हमने तुम्हारे लिए ये कहा कि इन्नल्लज़ीन युबायउनका इन्नमा युबायउनल्लाह, अगर हमने तुम्हारे लिए ये कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह अगर हमने तुम्हारे लिए ये कहा वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तो उसके माना ये है कि अगर तुम किसी शख्स की शख्सियत को मनवा कर किसी शख्स को पहचानवाओ और अगर दुनिया उसका इनकार कर दे, तो ये समझना कि हमारे मुंतखब बंदे का इनकार कर दे। ये बड़ी अजीब बहस है। यानी अगर कोई ये कहे कि कुरान मजीद ही की तासीर में नाम नहीं लिया जाता है, तो जाहिर है मगर कुरान मजीद ने जहां नाम लिया वहां इख्तियार भी तो दे दिया। जहां अब ये सूरह फतह के खात्मे तक हम पहुंच रहे हैं, अब नाम आने वाला है, इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। ये 21वीं आयत है और 29वीं आयत पूरी भरी हुई है उस तस्करे से कि जहां नाम लिया और नाम लेके बतलाया कि तुम्हारे साथी ऐसे हैं, तो जब तक उनको पहचानोगे नहीं वो समझ में कैसे आए। यही वो आयत है कि तुमको ये फिक्र थी कि ये वादा कैसे पूरा होगा, और तुम ये समझते थे कि दुश्मन घेर चुका है और इस दुश्मन से बचना मुश्किल है, और जाहिर है कि यहूदी दौलत के एतबार से, सरवत के एतबार से बहुत ज्यादा अरब पर छाए हुए थे, मगर तुमको ये नहीं मालूम था कि अल्लाह ने उन पर इहाता किया है, अल्लाह ने उनको घेर रखा है, अल्लाह ने वादा किया है कि उन्हीं से दौलतें दिलवाएंगे, अल्लाह ने ये वादा किया है कि उनको शिकस्त दी जाएगी, तो अब ये मगाने में कसीरा तुम्हारे हाथ आए। तो ये हुई तफसीर। अब मुहद्दिसीन का ये काम रहा, जहां मगाने में कसीरा पे बहस छिड़ी क्या गनीमत मिलेगी, वहीं बहस छिड़ दी फिदक की, इसलिए कि खैबर फिदक और बगैर उसका चारा नहीं था, बगैर उसका चारा नहीं था, इसलिए कि जब यहूदी भागे और जब ये जान गए कि अब ये अगर हमला इसी तरह से होता रहा और ये रजुल इसी तरह से आगे बढ़ता रहा, तो नौ कले तो फतह हो चुके हैं, इसके बाद की जमीनें और इसके बाद के अमलाक का क्या हश्र होगा। रसूल की खिदमत में आए और कहा हमले को रोक दीजिए, ये नजर है, ये नजर है, ये माल फै था,
ما آفا اللہ علی رسول اللہ نے عطا کر دیا تھا ولیا رسول نے اور جس کے لیے حکم ہوا اس کو دیا جس کے لیے حکم ہوا اس کو دیا یہاں میں ایک جملہ عرض کروں اور آگے بڑھ جاؤں ظاہر ہے کہ کہیں اور منزل ہے آج فکر کی اور کسی اور مقام تک آپ کو جانا ہے جس کو حکم تھا اس کو دے دیا میں ایک بات آج آپ سے پوچھوں آپ نے ہزاروں مقررین کو سنا آپ نے بڑے بڑے خطاب کرنے والوں سے گفتگو کی آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں اور اسی درجے پر رکھنا چاہتا ہوں اس درجے سے آگے بڑھا نہیں سکتا اس واسطے کہ جہاں علم کی طلب ختم ہوئی وہ موت ہے یہ طلب علم لازم ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہیں کسی سے سنا ہے تو میری مدد کریں وہ یہ مدد کریں کہ بدر میں فتح ہوئی احد میں کفار نے جسمانی طور پہ نقصان تو پہنچایا مگر احد سے رسول کو نہ ہٹا سکے ایک عجیب بات ہے احد پر رسول رہے یعنی کفار نے حملہ کیا نقصان پہنچایا اس کے بعد خود کفار چلے گئے بھاگ گئے ہٹ گئے رسول جو قیام کر کے احد سے واپس آئے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے خندق کو فتح کیا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ صلح حدیبیہ خیبر کو فتح کیا اس کے بعد فتح مکہ کی منزل آئی اس کے بعد حنین گئے اور پھر لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ کی آیت ہے اللہ نے تمہاری مدد بہت سے مقامات پر کی امام صادق نے کہا 83 مقامات تھے 83 مقامات تھے جہاں رسول کو فتح ہوئی ہے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی سے سنا یا کسی نے کوئی فہرست ایسی قائم کی کہ بدر میں علی کو یہ دیا تھا خیبر میں علی کو یہ دیا تھا خندق میں علی کو یہ دیا تھا حنین میں علی کو اتنا دیا تھا ہر فتح کے بعد علی کو مال غنیمت اتنا ملا تھا کوئی مجھ کو کسی مقام پر بتلا دے ایک عجیب بات تفصیل دے دے اتنا دیا جی تاکہ ایک اندازہ ہو اس لیے کہ ہم ان فہرستوں کے حامل ہیں کہ جہاں تالیف قلوب کے لیے مکے والوں کو یہ دیا انصار کو یہ دیا کوئی منزل نہیں ہے سوا اس ایک منزل کے کہ جب حملہ ہوا خیبر پر اور خیبر کو فتح کیا اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا یہودیوں نے روکا کہا اب حملہ نہ کریں یہ حاضر ہے زمین یہ آپ نے ارشاد ہوا کہ اچھا یہ دے دو اس کو جس کا حق ہے سوا اس کے اور کچھ نہیں ہے علی کے پاس اور اس پر ثبوت نہج البلاغہ واللہ کانت فی ایدینا فتک من کل ما اضلت السماء فشحت عنها نفوس قوم وسقط عنها نفوس قوم آخری خدا کی قسم آسمان نے جن جن چیزوں پر سایہ کیا ہے ان میں سے ایک فتک ہی تو ہمارے پاس یہ عجیب جملہ من کل ما اضلت السماء آسمان نے جہاں جہاں سایہ کیا تھا اس میں سے ایک فدک ہی تو ہمارے پاس تھا لیکن فشحت عنہا نفوس قوم ایک قوم کے افراد نے اس سے حسد کیا وہ سخت عنہا نفوس قوم آخرین اور ایک قوم کے افراد نے ہم سے دشمنی کی وَمَاثْنَوْ لِفَدَكِنْ وَغَيْرِ فَدَكْ مگر آج علی فدک کو لے کے کیا کرے
आज अली बतख को लेके क्या करे, तो आपने देखा कि अम्वाले गनीमत का मुसलसल वादा कुरान में खुसूसन सूरह फतह में मुसलसल आए थे कि सुलह हुदैबिया वालों से और बैअतुर रिजवान वालों से कह दो कि मगान में कसीरा तुमको देंगे, और जिस किसी ने ये मगान में कसीरा दिलवाए खुद उसको क्या मिला, यही एक फदक, यही एक फदक। अब उसके लिए जाहिर है कि हम फदक के मुतालिक गुफ्तगू इसलिए नहीं करते कि ये बहस खतरात में ले जाएगी, खुदा की कसम कभी ये ख्याल नहीं, कभी ये ख्याल नहीं होता, बल्कि हम उसको बिला जरूरत समझते हैं, उस बहस ही को बिला जरूरत समझते हैं, इस वास्ते के एक मर्तबा से ज्यादा किसी बात को समझाने की कोशिश करना आपके दिलो दिमाग को कमजोर समझना है, और आपको एक मर्तबा समझा दिया गया, दो मर्तबा बतला दिया गया कि ये वो मंजिल फदक है जहां बेटी कुरान पढ़ रही है तो सुनने वाले हदीस पढ़ रहे हैं। बस ये जब वो कुरान के हवाले पर हवाले दे रही तो सुनने वाले हदीस पढ़ रहे हैं, बयान करने वाले समझने वाले हदीस पढ़ रहे हैं, और बेटी ये कह रही वल्लाही माम कौन अभी लिखिताओ बिल्लाही खालिफा, खुदा की कसम मेरे बाप ने कभी किताब इलाही की मुखालिफत नहीं की, रसूल जो ये कहे कि मा वाफकल कुरान फखुजूहू, जो कुरान के मुताबिक हो वो ले लो, मेरे पदर ग्रामी ने कभी किताब इलाही की मुखालिफत नहीं की। तो ऐसी मंजिल पर कि जिसने, या मैं कल की गुफ्तगू से इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद कल की गुफ्तगू से मुसलसल हो जाऊं, ताकि आपको इतने दिन हो गए यहां जमा होते हुए, बहुत सी बातों में मैंने आपकी फिक्र से हिदायत पाई है, आज भी यही चाहता हूं, और जो भी दिन रह गए हैं उसमें भी यही चाहूंगा। फिर इकबाल की उस फिक्र से शुरू करता हूं कि इश्क बा दुश्वार वर्जीदन खुशस, मोहब्बत का कमाल यह चाहता है कि मुसीबतों से उलझो, इश्क बा दुश्वार वर्जीदन खुशस, चुन खलील और शोला गुल चीदन खुशा, इब्राहिम की तरह आग के शोलों से फूलों को निकालो, दुश्वार वर्दीदन खुशा, मोहब्बत दुश्वार पसंद होती है, मोहब्बत दुश्वार पसंद होती है, दुश्वार राहों से इंसान गुजर जाता है मोहब्बत में, मामूली मोहब्बतों में, और जिसके लिए रसूल कहे कि ये खुदा और रसूल से मोहब्बत करता है, ये खुदा और रसूल से मोहब्बत करता है, तो उसको दुश्वारियों की क्या फिक्र है, बदर से लेके हुनैन तक और हुनैन से लेके नहरवान तक हर दुश्वारी में अली आए, हर दुश्वारी में आलिया और हर दुश्वार को आसान बनाए, आसान बनाए, और इस शान से आसान बनाया कि ये बतलाते गए, ये बतलाते गए कि अब भी पहचानो अब भी समझो। देखिए एक अजीब जुमला है आखिरी मंजिल में जो आपने आखिरी खुतबा दिया है उसमें एक अजीब जुमला है, वो आपने फरमाया गदन तरौना अय्यामी, कल तुमको मेरे दिन याद आएंगे, वसतअरिफूननी बादा कुलुब मकानी, और तुम मुझे पहचानोगे मेरे इस मकान को खाली कर देने के बाद,
और गौर सुनिए, गौर से, यह जुमला अजीब और गरीब है। वह युग शफू लकुम सरायरी, उस वक्त तुम पर मेरे राज खुलेंगे कि अली का युक्षवलकुम सरायरी, उस वक्त तुमको पता चलेगा कि मेरे असरार क्या थे, मेरे राज क्या थे। तो उन असरार में जाहिर है कि बाद में आज तक हर दौर हर मौके पर जब कभी गुफ्तगु छिड़ती है तो उसी अजमत का पता चलता है कि आज फिर एक नया राज खुला, आज फिरक नई बात मालूम हुई, आज फिरक नया लुत्फ आया, आज फिरक लज्जत अकली से हम दो चार हुए। और आपकी इत्तला के लिए यह सिफीन की लड़ाई जोरों पर है। और जैसा कि आपको याद है, आप इसे को अपने ताजा रखिए, सिफीन की लड़ाई अहम तरीन लड़ाई है तारीख इस्लाम में, मगर लिखते नहीं है, देखिए कह रहा हूँ, अहम तरीन लड़ाई है इस्लाम की मगर लिखते नहीं है, जिसमें 178 बदरी, जिसमें वो 800 आदमी जिन्होंने बैतुर रिजवान में रसूल के हाथ से बैत की, जिसमें हजारों सहाबा अली के साथ थे, इसके मुताल्लिक कुछ नहीं लिखते। और वो बैतुर रिजवान के साथी जिनके लिए यह तय हो गया था कि लकद रजी अल्लाह अनिल मोमिनीना इज युबायउनक तहत शजरा, ये 800 रजी अल्लाह अनहु इधर थे। हमने मारे तो उस सिफीन की लड़ाई को कोई बयान ही नहीं करता, कोई भी बयान नहीं करता, गुफ्तगु में यह बहस ही नहीं आती। और उमूमन यह कहा जाता है कि इसको रहने दो। चुनाचे गालिब ने एक तंस किया था एक गजल में, और बड़ा अजीब तंस किया था, कहा था बहसो जदल बजाओ ए मन मैं कदा जू ए कंदरन, बहसो जदल को हटाओ, कोई ऐसा शराब खाना ढूंढो कि जिसमें कस नफस जमल लजत सुखन फिदक नका, वहां चलो जहां न फिदक की गुफ्तगु हो न जमल की बातें हो। गालिब की गजल है, फारसी गजल है। मैंने कभी तवील तकरीर की है कि कुछ और हमारी नजर में ऐसे हैं कि जिन्होंने गजल कहते हुए, गजल के माने आपको मालूम है माशूक से बातें करना, तो गजल कहते हुए उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि हम गजल कहते कहते एक मरतबा अपने रुख हयात को किस तरफ मोड़ लेते हैं, बेख्तियार रुख हयात बदल जाता है। लगाने चंगेजी गजल कह रहे हैं, जाहिर है भरपूर गजल को शायर, और उसके लिए क्या है, बे अख्तियार कहा दिले न महरमे फरदा, खुदा की मार हो तुझ पर। यानी इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, जकात देता है, इबादतें करता है, ये गाना कहते हैं दिले न महरमे फरदा खुदा की मार हो तुझ पर, अभी से नशे हुस्ने अमल में चूर हो जाना, न महरमे फरदा खुदा की मार हो तुझ पर, अभी से नशे हुस्ने अमल में चूर हो जाना, अली का बंदा होकर बंदगी की आबरू रख ली, यह गाना के लिए क्या दूर था मंसूर हो जाना। नौजवान बच्चों को तो यह अशआर याद रखने चाहिए, दिल न महरम फरदा खुदा की मार हो तुझ पर,
अभी से नशे हुस्न अमल में चूर हो जाना, अली का बंदा होकर बंदगी की आबरू रखना। लगाना के लिए क्या दूर था मंसूर हो जाना। तो आपने देखा गजल कहते कहते कभी शायर एक मर्तबा अपने असली रुख हयात को बतलाता, अपने महबूब की तरह मुतवज्जे हो जाता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। यही हमने गालिब को देखा, यही हमने मीर तकी मीर को देखा, इसी मकाम पर हमने बागैर शोरा को भी देखा जो खालिद गजल को थे, मगर गजल कहते कहते बेअख्तियार जब उन्होंने कोई शेर कह दिया अपने ममदूह के लिए, तो फिर वो शेर ऐसे दिल में पैवस्त हो, ऐसे पैवस्त हो गया, आने दो जाने दो परवाने दो, बेखुद मुहानी गजल कह रहे हैं और बेअख्तियार कहा, आए थे लेकर दफन की हसरत चलते हैं तीर जनाजे पर, आए थे लेकर दफन की हसरत चलते हैं तीर जनाजे पर, खैर तुम्हारी जैसी मर्जी आओ बैठो जाने। सुलह हसन की तस्वीर खींच दी, आए थे लेकर दफन की हसरत चलते हैं तीर जनाजे पर। आपने देखा तारीख गजल गोई में कहीं ये पहलू है आपके पास कि किसी ने किसी के जनाजे पर तीर चलाए हो सिवाय इस वाके के? आए थे लेकर दफन की हसरत चलते हैं तीर जनाजे पर, खैर तुम्हारी जैसी मर्जी आओ बैठो जाने दो। तो गजल गो शायर अगर उसका रुख हयात किसी तरफ हो और अगर मोहब्बत का जज्बा गालिब हो तो वो इसकी कोई परवाह नहीं करता कि मैं गजल कह रहा हूँ, सलाम कह रहा हूँ, मर्फिया कह रहा हूँ, कसीदा कह रहा हूँ, नहीं, जहां से चाहे जिस मकाम पर चाहे वो अपने ममदूह को आवाज देता है। तो आपने देखा गालिब गजल कह रहे हैं और गजल कहते कहते बहसो जदल बजाओ ऐबान, मैं कदजू एक अंदरौन कस नफजस जमल लजत कस सुखनस फिदक नखास नखास, न फिदक की बात छिड़े न जमल का तस्करा हो, चलो ऐसी जगह चलो तो जहां फिदक और जमल नहीं वहां सिफीन नहीं। मेरा सिलसिला कलाम देखिए, मैं सिलसिला कलाम को नहीं छोड़ता, सिफीन को नजरअंदाज कर दिया गया, सिफीन की लड़ाई जोरा पर है कि एक मरतबा यह भी कोशिश हुई कि चलो अली को नाराज करते जाओ, अली को छेड़ते जाओ, अली पे तंज करें, खत पे खत आ रहे हैं अमीर शाम से। सिफीन की लड़ाई के दौरान बराबर काटे, एक खत अजीब गरीब आया, एक खत अजीब गरीब आया और कहा कि अल्लाह ने रसूल को भेजो, अहले बैत को जो वो ये समझते हैं कि हम रसूल के घर वाले हैं उन पर बड़ा फजल किया, उन पर बड़ा फजल किया, उन पर बड़ी नेमतें नाजिल की, और रसूल के साथियों ने जो इस्लाम को फरोग दिया उससे आज इस्लाम रोशन हो, और उसके बाद मैं जिसको खत लिख रहा हूं उसको मालूम है कि वो अफजल नहीं है बल्कि फुलां फुलां अफजल है। इस तरह से खत आया, अब मेरे मौला ने उसका जवाब दिया और अजीब शान से जवाब दिया और कहा मुझसे ये कहता है कि अहले बैत पर अल्लाह ने फजल किया तो तेरा आलम यह है कि कनाकिल तम्र इला हजर, बहरीन में एक मकाम है हजर जहां सबसे ज्यादा खजूर होते हैं, कोई गली कोई मकाम ऐसा नहीं है जो खजूर के दरख्त न हो, बेहतरीन खजूर है, तो खजूर को तोहफा ले जा रहा है हजर में। हमसे कह रहा है कि आप पर अल्लाह ने यह फजीलत नाज़िल की, तेरी मिसाल तो ऐसी है कि नाक़िल तम्र इला हजर, हजर को खजूरें ले जा रहा है,
और अब ये जो कहा कि कमा जानता अन्न फलाउन व फलाउन अफजल उन्नास फिल इस्लाम, जो ये कह रहा है तभी अली को हक पहुंचता है खुदा की कसम, जिसकी इतनी तारीख आप दोरों से सुन रहे हैं कि कहां कहां थे। आपने कहा कि मालिक तुलकाई बदलाई तुलका आजाद कर दे रसूल और उसकी औलाद को क्या हक है लिकमीज मुहाजरीन अव्वलीन व तारीफ मरातिब हिम व तबकात हिम, औलाद आजाद करदगान रसूल को क्या हक है कि मुहाजरीन के तबकात को बयान करे और उनके मरातिब को बयान करे। देखिए यही कुव्वत है जो कह सकती है मालिक तुलकाओ वो अबना इतुलकाओ अबना इतुलकाओ, ये अबना इतुलका में है, इसके बाप को आजाद किया है। क्या है अबना इतुलका को कि मुहाजरीन अव्वलीन के मदारिज में और उनके तबकात की तरतीब में बहस करें। अगर वो अफजल है तो तुझे क्या फायदा, अगर वो मफजूल है तो तुझे क्या नुकसान। अब देखिए जवाब, तू मुझसे यह कहता है, गुफ्तगु तो तुझसे और मुझसे है, तो अब सुन मिन नबी वो मिन कमुल मुकज्जिब, हम में नबी आया तुम में झुटलाने वाला आया। और हम में से खुदा का शेर आया और तुम में वो लोग आए कि जिन्होंने मुआहिदों पर जिंदगी बसर की और आपस में कबीलों से मुआहिदे किए। वो मिन्ना सैयदा सबाओ बेहनिल्जन्ना व मिन गुम सबियत नार, और हमारे पास सरदारों ने जवानों ने जन्नत है और तुम्हारे पास जहन्नम की आला। तलवार को देखा, आपने अली की जबान को नहीं देखा। ومنكم المكذب ومن الناس الله ومنكم اسد الله ومن الناس سيدا وشباب باهل الجنه ومنكم سبيه النار ومننا سيده النساء العالمين ومنكم حماله الحطب। सिलसिले को बदले हमसे बातें करते हो, वो कसीरुम मिन्ना व कसीरुम मिनकुम, और इसी तरह से बहुत से हम में और बहुत से तुम में, कहां कहां बात गई, कहां कहां बात गई, तारीख के धारे को घेर लिया। कसीरुम मिन्ना व कसीरुम मिन्ना, हमसे कहते हो कि ये अफजल है और ये मानता ले फाजिल व मफजूल व ले साइस व मसूस, तू और तुझे क्या काम है कि अफजल कौन है और मफजूल कौन है और साइस कौन है और मसूस कौन है और कायद कौन है और रहराव कौन है, तुझको क्या काम है।
आपने देखा किस किस्से को कहां लाके खत्म किया, अली से क्या जवाब मांगा जा रहा था। यानी उस रास्ते पर डाला गया था कि अली के कलम से ये जवाब निकले। उनके फायदे के लिए मुफीद और खत लिखने वालों के लिए। अली ने उस किस्से को इधर बदल दिया, कहा तुझे क्या काम, तुझे तरतीब मदारिक से क्या काम, तुझे तारीफ तबकात से क्या काम है, मुहाजरीन अव्वलीन के मुतालिक तू गुफ्तगू करने वाला कौन है। बस मैंने गुफ्तगू आज खत्म की और जाहिर है कि मैंने रहमत दी, मगर फिर एक जुमले पर कहां बहस की अली ने, कहा मालिक तुलकाई व अबनाई तुलका, आजाद कर दे रसूल की औलाद को, यह हक क्या है। आप समझ गए इसका जुमला नहीं, मैं फिर वापस आ गया सूरह फतह पर। मतलब यह है कि फतह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले ये कैसे बतला सकते हैं कि रसूल की बेसत के वक्त साथ कौन था, दावत जुलशीरा में साथ कौन था, हिजरत की भरत कौन था, बदर में कौन था, खंदक में कौन था, खैबर में कौन था, ये कौन बतला सकता है। मैं अपने मौला की बारगाह में आज 21वीं का दिन गुजरने के बाद सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे मौला ने एक ऐसी जगह पसंद की, एक ऐसी जगह पसंद की कि जिसके मुतालिक बहुत तवील गुफ्तगू चाहिए। मदीने में दफन नहीं हुए, मक्के में दफन नहीं हुए, कूफे में दफन नहीं हुए, कूफे से भी दूर किसी मकाम पर अली दफन हो गए। अली दफन हो गए और वसीयत ये थी कि सिवा मेरे खास अहबाब के मेरे जनाजे में कोई ना हो। हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, हुजर इब्ने अली, हुज़ैफ़ा यमानी, हजरत अब्बास और इसी तरह से कोई 5-7 और आदमी साथ गए। बाप को दफन किया, बेटों ने हसन इब्ने अली कब्र से लिपट के रोने लगे, भाई ने भाई को सहारा दिया, हुसैन इब्ने अली ने बाजू था भाई को उठाया, कहा चलो भाई। हसन इब्ने अली चले, थोड़ी दूर नहीं गए थे कि दूर से एक आवाज आई, आने वाले आज तीसरा दिन है, तू अब तक नहीं आया, मैं कब तक इंतजार करूं। हसन इब्ने अली ने कहा ये किसकी आवाज है, कहां से आ रही है। अहबाब दौड़े, देखा कि एक मकाम नशेब में एक चट्टान के नीचे एक माजूर मफलूज नाबीना इंसान लेटा हुआ है और बार बार तड़प के कह रहा है मैं कब तक इंतजार करूं, मैं कब तक इंतजार करूं। लोगों ने आके बयान किया कि फर्जंद रसूल कोई शख्स इस तरह से तड़प रहा है। शास्त्र में चलो पहुंचे, आपने सलाम किया, वो एक मर्तबा घबरा के उठ बैठा, कहा तू आ गया, तू आ गया। हसन इब्ने अली रोने लगे, कहा भाई मैंने तुझे पहली मर्तबा देखा, तो बेख्तियार उसने कहा कितनी मिलती जुलती है आवाज से। हसन इब्ने अली ने कहा कौन आता था, कहा मैं नौवारिद हुआ, मौसम यहाँ खराब हुआ, मैं अर्ज कर चुका हूँ माह मुबारक रमजान इंतहाई सर्दी और जाड़े के मौसम में यह आया था, मौसम खराब हुआ, मैं बीमार हुआ, मैं इस मकाम पर उतर पड़ा। जैसे ही मैं यहां उतरा एक आने वाले ने मुझे सलाम किया, वो अपने साथ उसके कुछ गिजा थी।
उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया, पानी पिलाया और कहा घबराना नहीं, घबराना नहीं, हम इसी तरह से आते रहे। वो मुसलसल रोज आता, मुझे खिलाता पिलाता और जब तक बैठता अल्लाह का जिक्र करता और कहता मिस्कीन उन जालिता मिस्कीन, मिस्कीन मिस्कीन के बाजू बैठा है, मिस्कीन मिस्कीन के पास बैठा है। आज 3 दिन हो गए वो नहीं आया। बेख्तियार हसन इब्ने अली रोने लगेगा, तूने पहचाना नहीं, वो अली थे, वो अमीरुल मोमिनीन थे। 19वीं सुबह को इब्ने मुल्जिम ने उनको जख्मी किया, हम दफन करके आ रहे हैं तो आगे बढ़ के उसने हसन इब्ने अली को टटोल के दामन थामा और कहा आप कौन है? कहा उनका बेटा हूँ हसन, मोहम्मद का नवासा हूँ। कहा रसूल के नवासे, तुमको तुम्हारे बाप की कसम, मुझे ले जाके कब्र पे छोड़, मुझे ले जाके कब्र पे छोड़ दो। हसन इब्ने अली को कसम दी, हसन इब्ने अली ने उसको सहारा दिया, बाप की कब्र पर ले गए। बेख्तियार कब्र पर पेशानी रख के आवाज दी, अरे मुझे भी तो बुला ले।